ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, नाउ वी विल डिस्कस ओवर रिमेनिंग इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। सो द नेक्स्ट वन इज़ बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। आपने अब ये फाइंड आउट करना है कि बायोमैथमेटिक्स जो हैं, व्हाट इज़ बायोमैथमेटिक्स, बायो का रिलेशनशिप जो है वो मैथ्स के साथ क्या है। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। आप डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही होती हैं उनको आप मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करके, मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करके क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, लाइक आप लेबॉरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, हार्ट बीट फाइंड आउट करते हो स्टूडेंट्स की, देन आप उसको टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में उन सारी रीडिंग्स को क्या करते हो, आप अरेंज करते हो और एट द एंड उसमें से एवरेज हार्ट बीट फाइंड आउट करने के लिए आप फार्मूला पुट करते हो मैथ्स का। सो दैट्स वाई वी सेड दैट बायो इज़ रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके कोट कर दूँ कि आप जब सीबीसी टेस्ट करवाते हो, आपकी जो सीबीसी रिपोर्ट होती है जिसमें आप ब्लड टेस्ट करवाते हो और आपने ब्लड सेल्स का काउंट उसमें आप फाइंड आउट करते हो कि आपके वाइट ब्लड सेल्स कितनी अमाउंट में, आपके रेड ब्लड सेल्स कितनी अमाउंट में, आपके प्लेटलेट्स कितनी अमाउंट में हैं, तो इन सब जो इनकी जो रीडिंग्स होती है वो आप को मैथमेटिक्स की फॉर्म में आती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी सेड दैट बायो इज़ रिलेटेड टू दी mathematics. Now we will discuss over next interdisciplinary science, which is biogeography. Now we will discuss the what is the relationship of bio with geography. Basically, agar hum biogeography word dekhen, it consists of three parts: biogeography. Bio mean life, geo mean earth, graphy mean graphics or area. ठीक है, तो बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन आप देखो तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आपकी जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी बेस पे वो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसकी स्टडी को आप बायोजियोग्राफी कहते हो। लाइक आपके फॉर एग्जांपल जैसे कि पोलर बेयर्स हैं, पोलर बेयर्स आपके पोलर रीजन्स को ऑक्यूपाई करते हैं, और जो आपका अगर मैं प्लांट की एग्जांपल दूँ जैसे कि कैक्टस है, कैक्टस यूजुअली ड्राई एरिया में रहता है, डेजर्ट में रहता है, उन एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये आपकी एग्जाम्पल्स हैं बायोजियोग्राफी की। सो ये जो बायोजियोग्राफी है ये क्या करता है, इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटरमिन द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। बेसिकली जो आपके जियोग्राफिकल रीजन्स होते हैं कि कोल्ड हैं, हॉट हैं, वो उनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स को डिटरमिन करते हैं। मीन्स कि अगर कोल्ड रीजन्स हैं तो वहाँ पर उसी टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो कि वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। लाइक अगर हॉट रीजन वाले एरियाज हैं तो वहाँ पर भी वही एनिमल्स सर्वाइव कर सकेंगे या प्लांट्स सर्वाइव कर सकेंगे जो कि वहाँ पे अडेप्टेड हैं और वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस ओवर नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस व्हिच इज़ बायो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ बायो इकोनॉमिक्स? बायो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू? बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या होती है, आप किसी भी चीज़ का बेनिफिट या लॉस को डिटरमिन करते हो, उस पर कितनी कॉस्ट वैल्यू आ रही है उसको डिटरमिन करने को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। लाइक आपकी जो यील्ड ऑफ वीट है, वीट की जो आपकी प्रोडक्शन है ईयरली कितनी हो रही है, उससे आपको कितना लॉस हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, उसकी कितनी कॉस्ट वैल्यू है, ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट करते हो इन बायो इकोनॉमिक्स। क्योंकि वीट आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसकी जो कॉस्ट एंड वैल्यू, लॉस होना, बेनिफिट होना, वो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। सो दैट्स व्हाई वी सेड बायो इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स। नाउ वी विल डिस्कस द शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। आपको शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकते हैं। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज बायोमेट्री? गिव एन एग्जांपल। डिफाइन बायोफिजिक्स। और लॉन्ग क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है? हाउ बायोलॉजी इज रिलेटेड टू अदर साइंसेज, एक्सप्लेन एनी फोर और फाइव। इस फॉर्म में आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं।